अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कुनाफा। ये अरबी डिश है, डिज़र्ट है उनका। ठीक है, आज मैं ये शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, मैंने दूध में तकरीबन 2 कप दूध था, उसमें दो तकरीबन 3 चम्मच भर के मैंने चीनी के डाल दिए। जैसा आप लोगों को, अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, मैंने अभी 3 डाले। ठीक है, ये डाला, ये डाला। इसके बाद मैंने 2 चम्मच तकरीबन ये कॉर्नफ्लोर दूध में मैंने घोल लिया था। ठीक है, ये दूध में घोल लिया। अब मैं इसमें डालने लगी, दूध में डालना है और आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि इसके लम्स ना बने। स्लो स्लो फिर इसको मिक्स करते जाएं, मिक्स करते जाएं ऐसे। ठीक है, ऐसे ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, ये अब गाढ़ा हो रहा है, ये देखें गाढ़ा हो गया। थोड़ा सा ना मुझे पतला लग रहा है, अगर आपको भी ऐसा लगे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल लें। ठीक है, अब मैं और डालने लगी हूँ, थोड़ा थिक होना चाहिए। ये देखें, ये अब गाढ़ा हो गया है, ये देखें। ठीक है, अब मैंने 2 क्यूब्स उसके डाल दिए चीज़ के, ये डाल लें जिसका आप इसको ना मिक्स कर लें। अच्छा, ये देखिए, ये तो ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको फ्लेम बंद करने लगी हूँ। ये देखें, ये चीज़ भी हो गया और वो कॉर्नफ्लोर भी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको निकाल के फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। ये अब मैंने निकाल के फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। ठीक है, चले अब मैं इसका सीरम बनाने लगी हूँ। ठीक है, एक मग पानी का, एक कप पानी और 1 कप चीनी, जितना पानी उतनी चीनी, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, इसको मिक्स कर लें। और अब इसमें ये देखिए, इलायची के दाने, तकरीबन 4 इलायची हैं तो उसके दाने मैंने निकाल लिए, वो डाल दिए। अब इसको मिक्स करते जाना। ये एंड में ना उसके ऊपर डलेगा, कुनाफा जब तैयार हो जाएगा तो ये उसका सीरम में जो बन डलेगा। ठीक है, ये डाला। इसके बाद ये आपने एसेंस डाल दें, आपके पास क्योड़ा है वो डाल लें, वनीला एसेंस है वो आप कुछ कतरे इसके डाल लें ताकि इसमें टेस्ट आ जाए। ठीक है, ये मैंने कुछ कतरे डाले हैं, ये हो गया। तकरीबन चीनी हो गई है, घुल गई है। देखिए थोड़ा इसको पकाना है, फिर आपने चेक करना है कि एंड में इसका कतरा कैसे गिरेगा। ये देखें, 2 पैकेट मैंने बारीक सोइयों के ले लिए थे और इसको मैं हाथों से अच्छी तरह तोड़ रही हूँ, ऐसे बिल्कुल चूरा कर लेना है। ठीक है, ये चूरा कर लिया। मक्खन लिया मैंने ऐसे, अभी हाफ डाल के देखूंगी, इसको और ज़रूरत है तो फिर और डाल दूंगी। ठीक है,
अभी हाफ डालेंगे। ऐसे हाथों से ठीक है ऐसे समलना है, हर साइड पे लग जाए ठीक है। ऐसे मेरा ख्याल है थोड़ा सा और चाहिए होगा, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ हाफ। ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कैसे करना है, कितनी ज़रूरत है। ऐसे ऐसे करके मसल लें मक्खन को ठीक है, ऐसे ऐसे करके हर साइड पे इसके लग जाए, कोई खाली ना रहे। ऐसे करते जाए, ये देखिए अब बिल्कुल सही हो गया। अब ये थोड़ा सा जट्टा रंग डालना ताकि इसमें कलर आ जाए, थोड़ा सा डाला जट्टा रंग, इसको मिक्स कर दिए अच्छी तरह। ये देखिए ये इसमें कलर आ गया ठीक है। ये अब आपको बनाने का मैं सेट करने का तरीका बता रही हूँ, ये बता रही हूँ चूल्हे पे बनाने का। अक्सर घरों में ओवन नहीं होता इसलिए मैं इजी बता रही हूँ कि चूल्हे पे कैसे बनेगा कुदाफा। पहले आपने जो देसकी या बाउल जो भी आपने चूल्हे पे रखना उसको पहले गर्म कर लेना है ठीक है। मैंने पहले से गर्म करने रख दी है, फिर आपने लेना है बटर लें घी लें कुछ भी लें, वो चारों तरफ सारे कहीं लग जाए। ठीक है ये मैंने बटर पेपर लिया, ये देखें ना मैंने काट लिया और ये अंदर बिछा दिया। इसके ऊपर फिर घी लगेगा, ये देखें बटर पेपर मैंने नीचे बिछा दिया, नीचे भी घी लगा दिया और बटर पेपर के ऊपर भी ठीक है। अब मैं ये सेवियां डालूंगी ऐसे 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 और ऐसे ठीक है। ऐसे से डाल के एक लेयर इसकी लगानी है और फिर इसको आपने दबा लेना है, कुछ भी घर में ले लें, आपके प्याला हो ग्लास हो कुछ भी हो, इसको ऐसे से दबाएं अच्छी तरह। अच्छी तरह दबा के ये हो गया, चारों तरफ से हर किनारे से अच्छी तरह दबाना है। ये देखिए अब मैंने सवैयों को सारे को सब सवैयों को अच्छी तरह दबा दिया। अब ये सेंटर में इसका मैं वो डालूंगी जो मैंने बनाया था, करारे छोड़ के डालना है ठीक है। वो इसलिए कि साइडों में चिपके ना, अगर हम छोड़ देंगे तो सारा ये चिपक जाएगा जो इसकी क्रीम है। ऐसे किया ऐसे साइडें छोड़ देनी है, ये हो गया। अब फिर सवैया ऊपर से डालनी है। अब ये देखें अब मैं सवैया हाफ मैंने नीचे डाल दी है, ये ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ किनारों से। ये अपने किनारों से शुरू करना है इसको यहाँ यहाँ से, ताकि वो अंदर वाली जो क्रीम है वो चिपके ना।
ऐसे ऐसे, ये सारे किनारों पे आ गए। अब सेंटर में इसको ऐसे करके फैला रहे, ये ठीक है, ये हो गया। अब इसको हाथों से, हल्के हाथों से, ताकि वो हर किनारे से दबा लेना है इसको, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ आप दबा लें, ठीक है। ऐसे किया, एंड में ज़ोर से नहीं दबाना क्योंकि वो जो अंदर क्रीम है वो ना निकल जाए। ये अच्छी तरह दबाया, ये अब ये मैंने पैन चूल्हे पर रखा हुआ है, अब मैं उसमें रखने लगी हूँ। ये देखिए, ये पहले से मैंने एक पैन रखा हुआ है, इसको पहले से मैंने गर्म कर लिया है। देखिए इसमें धुआं निकल रहा है। एक मैंने प्लेट रख ली, कोई सी भी आपके पास प्लेट हो, स्टील की कोई भी प्लेट आपने रोटी करके रख लेनी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास जो भी स्टैंड है बर्तनों का वो रख लें, ठीक है। ये अब मैंने इसमें रखा, ये रखा और ये मैंने, तो एक बार 30 मिनट तक इसको देखेंगे, ये हो गया तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें, अब मैंने ओवन से निकाल लिया। अब देखें, अब इसके किनारे, किनारों से मैं हल्का हल्का इसको ऐसे करूंगी, ठीक है, और ऐसे करके सारे किनारे छूट जाएं इसके, इस तरह। और फिर मैं इसको प्लेट रख के ना उल्टा करूंगी और ये इंशाल्लाह बिल्कुल सही निकल आएगा। ये देखें, मैंने पैन को उल्टा किया, प्लेट रख के इसको उल्टा किया और ये निकल आया, ठीक है। और अब इसकी मैं डेकोरेशन करने लगी हूँ, कुछ भी हो आपके पास। मैंने ये ग्राइंड किए हुए पिस्ता, ठीक है, कुछ मेरे पास बादाम थे, कुछ पिस्ते थे, वो मैंने सारे अच्छी तरह उनका पाउडर बना लिया। अब ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इसकी आप डेकोरेशन कर लें। आप बनाएंगे अपनी फैमिली के साथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनके लिए बनाएं और उनको खुश करें, स्पेशली बच्चों को, उनको मीठा बहुत पसंद होता है ना। मेरे बच्चों को भी पसंद है मीठा, इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी चीज़ बनाऊं और आपको आराम से समझ लग जाए। बस मुझे ये होता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी हर बात समझ लगे, मैं बड़े आसान तरीके से आप लोगों को बताती हूँ और आपको इंशाल्लाह समझ भी लगती होगी, ठीक है। अब ये सीरम, ये देखें, ये सीरम जो है ना, ये मैंने जो बनाया था चीनी का, ये अब डालना है ऊपर से, इसको अच्छी तरह पूरी सुइयों को डिप कर देना इसमें, ये देखिए हो गया, डिप हो गया बस। जैसे आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं, मुझे ऐसे सही लग रहा था मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी पे है। देखें कैसा लग रहा है, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। मेरी चीज़ें आपको अच्छी लगें तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मिलूँगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।